नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सन स्टार टीवी में। मैं हूं आपके साथ विपुल माहेश्वरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की 5 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान 2 आतंकियों को मार गिराया गया। फिलहाल पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। बताया जा रहा है कि मारे गए दोनों आतंकियों की पहचान अभी नहीं हुई है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों ने आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी मिलने पर शनिवार सुबह दक्षिण कश्मीर की नागरबेरान तारासार वन क्षेत्र में घेराबंदी कर तलाशी शुरू की। उन्होंने बताया कि तलाशी कर रहे दल पर आतंकियों ने गोलियां चला दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। फिलहाल पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। आपात कोरोना की करेंगे। देश में कोरोना के आंकड़े लगातार बेलगाम हो चले हैं। बीते 24 घंटे में 41,000 से ज्यादा नए मामलों ने दस्तक दी, तो वहीं 593 लोगों की जान चली गई। देश में कोरोना बेलगाम है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 41,649 नए मामलों ने दस्तक दी, तो वहीं 593 लोगों की मौत हो गई। देश में अब तक इस जानलेवा बीमारी से 4,43,810 लोगों की मौत हो चुकी है। देखा जाए तो देश में एक बार फिर कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में सरकार के सामने कोरोना की तीसरी लहर के बीच ये बड़ी चिंता बढ़ गई है। अब बात राहुल गांधी की करेंगे। राहुल गांधी ने वैक्सीन लगा ली है, जिसको लेकर बीजेपी लगातार सवाल उठा रही थी। लगातार सवाल के बीच संबित पात्रा ने ट्वीट कर राहुल गांधी से पूछा था कि आखिर राहुल गांधी कोरोना का टीका कब लगाएंगे। लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि राहुल गांधी ने कोरोना की डोज लगवा ली है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। उन्होंने 2 दिन पहले वैक्सीन लगवाई और उसके बाद गुरुवार और शुक्रवार को संसद नहीं पहुंचे। राहुल गांधी के टीका लगवाने को लेकर भाजपा ने कई बार सवाल पूछे थे और कई बार निशाने भी साधे थे। हालांकि अब तक जानकारी नहीं मिल पाई कि उन्होंने कौन सी वैक्सीन ली है, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट कर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से पूछा था कि उन्होंने वैक्सीन का पहला और दूसरा डोज कब लिया है। पूरा देश जानना चाहता है कि गांधी परिवार ने टीका लगाया या नहीं, जिसके बाद राहुल गांधी ने वैक्सीन की पहली डोज ली है। अब बात करेंगे बारिश की, जहां उत्तर पश्चिम भारत में लगातार बारिश का दौर जारी है। बीते 24 घंटे में लगातार बारिश का कहर देखने को मिला है, तो वहीं मौसम विभाग की ओर से आने वाले दिनों में चेतावनी जारी की गई है। मध्य प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, तो उत्तराखंड हिमाचल में भी अलर्ट जारी है। इसके साथ ही राजस्थान में भी 4 अगस्त तक अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान समेत भारत के कई हिस्सों में अगले 4 से 5 दिनों में जमकर बारिश होने वाली। मौसम विभाग ने मानसून की सक्रियता के अंदेशा जताया है और इसके साथ ही अगले 4 से 5 दिनों में तेज बारिश होने की संभावना भी जताई है। दिल्ली में अगले 3 दिनों तक बारिश की संभावना है, तो वहीं बिहार की राजधानी पटना समेत कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। IMD ने चेतावनी दी है कि पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 4 अगस्त तक व्यापक और अत्यधिक बारिश की संभावना जताई गई है। और इतना ही नहीं, 31 जुलाई और अगस्त के दौरान भी खूब बारिश देखी जाएगी, जिसको लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा समेत अन्य कई राज्यों में 4 अगस्त तक बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अब बात राजस्थान की करेंगे। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार सवाल जारी है। राजस्थान प्रभारी अजय माकन दिल्ली उड़ान भर चुके हैं, लेकिन माना जा रहा है कि अशोक गहलोत कैबिनेट विस्तार ही चाहते हैं, यानी कि अशोक गहलोत पूरे फेरबदल के पक्ष में नहीं है, जिसको लेकर अजय माकन की ओर से इस बात के संकेत भी मिले हैं। फिलहाल अजय माकन दिल्ली पहुंच चुके हैं, लेकिन माना जा रहा है कि राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और पूरे फेरबदल को लेकर फिलहाल असमंजस जारी है। कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच विधायकों और पीसीसी पदाधिकारियों का फीडबैक लेने के बाद प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन शुक्रवार को दिल्ली के लिए उड़ान भर गए। हालांकि अब भी कैबिनेट विस्तार कब होगा यह तय नहीं हो पाया है, लेकिन सूत्रों की माने तो सीएम गहलोत सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार के पक्ष में है, जबकि आलाकमान की मंशा पूरे फेरबदल की है। पिछले दिनों मंत्रियों के साथ हुई बैठक में जब मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चा चली, तो गहलोत ने कहा कि किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं हूँ। वहीं माकन ने विधायकों से 3 माह के कामकाज की रिपोर्ट मांगी है, लेकिन माना जा रहा है कि राजस्थान में फिलहाल मंत्रिमंडल पर सवाल जारी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश विदेश के तमाम छोटे बड़े खबरों के लिए आप देखते रहें सन स्टार टीवी।